यस बेटे, अगर हम बात करें कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट की, तो उस सेकंड यूनिट का जो नाम है, उस सेकंड यूनिट का जो नाम है वो है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अभी तक जो मैंने आपके साथ लेक्चर डिस्कस किए, उन सभी में मैंने आपको अल्कोहल और फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, उनसे उनके रिलेटेड कन्वर्जन्स एंड उनको डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं वो मैंने सारा आपको बता दिया। जो आज अभी ये जो मेरा लेक्चर है, इसके बीच में मुझे आपके साथ बेसिकली जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना अबाउट ईथर्स। आपको पता है ईथर्स आर दोज कंपाउंड व्हिच हैज गॉट द फंक्शनल ग्रुप आर ओ आर डैश। ये होते हैं, नाम कैसे दिया जाता है, डाई एल्काइल ईथर या एल्कॉक्सी एल्केन, डाई एल्काइल ईथर या एल्कॉक्सी एल्केन, इस तरीके से हम इनको नाम देते हैं। मैंने आपको इनका नॉमेनक्लेचर, आपको एल्कोहल फिनोल वाली जो यूनिट मैंने करवाई थी उसके जस्ट फर्स्ट लेक्चर में आपको करवा दिया था, है ना। जस्ट फिर भी अगर मैं कहूँ भाई ये कंपाउंड क्या है, जस्ट टू रिकॉल, डाई मिथाइल ईथर, है ना, मिथॉक्सी मिथेन। दूसरा क्या है, CH3CH2OCH3, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर मिथॉक्सी इथेन। अगर मैं कहूँ CH3CH2OCH2CH3, इस कंपाउंड का नाम डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। इस तरीके से हम इसको नाम देते हैं, इस तरीके से हम इसको नाम देते हैं। और ये दो एक और कंपाउंड मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो दो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर्स में, और ये कौन कौन से है बेटा, सुनिए। एक तो ये है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम वैसे क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या है, इथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका नाम क्या है, इथाइल फिनाइल ईथर। लेकिन इसका ट्रेड नेम क्या होता है, एनिसोल, और इसका नाम होता है फेनिटोल। एज पर आवर डिस्कशन, अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ इसकी सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। कहां से, फ्रॉम एल्कोहल्स। बच्चों ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं, इसी चैप्टर में ही ये सारी चीजें रिलेटेड है। मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी कि दैट आर ओ एच एल्कोहल, एच ओ आर, ये भी एक एल्कोहल है ना। एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, एंड वी हैव डन इट्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेंपरेचर ऑफ 413 केल्विन। रिमेंबर इट्स नॉट 443 केल्विन, इट इज 413 केल्विन। तो इससे आपके पास जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है आर ओ आर। क्या मिलता है कंपाउंड, आर ओ आर, अलॉन्ग विद दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज वाटर, साथ में वाटर। Is it clear to you now? ठीक है, ये मैंने आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करवाया था। जैसे अगर मैं कहूं कि CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस OCH इथाइल अल्कोहल, दो मोल मैंने इथाइल अल्कोहल के ले लिए विद सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा, CH3CH2O CH2CH3 plus water. The name of this compound is diethyl ether. But इस compound का नाम क्या हो गया, diethyl ether, या इसको एक और नाम दे सकते हैं, and that name is, you see, ethoxyethane. इस compound का नाम क्या होगा, क्या हुआ इस compound का नाम, ethoxyethane. क्योंकि इसी चैप्टर में मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करवा चुका हूं, रिमाइंड करवाता हूं, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, डीप्रोटोनेशन, ये तीन स्टेप होते हैं, आप इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो मुझे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को दोबारा इसमें नहीं करवाना, मुझे इसकी कुछ और स्पेशल चीजें करवानी है, इस रिएक्शन के रिलेटेड कुछ स्पेशल चीजें करवानी है। और वो स्पेशल चीजें ये है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, what are the limitations of method of preparation of ethers from alcohols, from alcohols, bhai alcohol se aap ether ki method of preparation kar rahe hain, what are the various limitations of method of preparation of ethers from alcohols,
ठीक है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, सुनो, सपोज आपको ये वाला ईथर बनाना हो CH3CH2OCH3, इस ईथर का नाम आपके पास क्या है? इथाइल, मिथाइल, ईथर, या इसको नाम क्या देते हैं? मिथॉक्सी इथेन, इथाइल मिथाइल ईथर, या इसको नाम दिया मिथॉक्सी इथेन। रिमेंबर ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक ऐसा ईथर है क्योंकि यहां पे R और R डैश दोनों बराबर नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ओके? अब अगर इसको मुझे बनाना है तो व्हाट आई हैव टू टेक CH3CH2OH प्लस HOCH3, मुझे दो डिफरेंट अल्कोहल लेने पड़ेंगे, मींस अल्कोहल कौन सा, इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा और मिथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा एट ए टेम्परेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन। आई एक्सपेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ठीक है मुझे मिलेगा, लेकिन आप ऐसा देखो कि जब हम एक फ्लास्क में एक रिएक्शन को करते हैं, अरे ऐसा थोड़ी है कि उसके बीच में दो मतलब मिथाइल के पता नहीं कई है ना मॉलिक्यूल्स हैं, कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मिथाइल अल्कोहल में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं। तो अगर उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि इथाइल और मिथाइल के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करें, तो दो बेटे मिथाइल वाले मॉलिक्यूल भी कंबाइन कर सकते हैं और दो इथाइल वाले भी कर सकते हैं, इसमें नो डाउट हमें ये वाला प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये वाले दो कंपाउंड भी मिल जाएंगे। और ये दो कंपाउंड क्या है? डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर। ये मतलब हमें चाहिए ये था, ये तो चाहिए नहीं थे, ये हमें फालतू में मिल जाएंगे, यील्ड तो इसकी कम होगी, लेकिन ये बन गए। अब ये तो ऐसी इंप्योरिटी है, अगर मुझे इथाइल मिथाइल ईथर ही चाहिए तो मुझे फिर इसको सेपरेट करना पड़ेगा, मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना, इसमें। और इनको सेपरेट करना फिर बहुत मुश्किल होता है, इनको सेपरेट करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, पहली लिमिटेशन लिख लो, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स, दिस रिएक्शन इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू टेक टू डिफरेंट एल्कोहल्स, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू टेक टू डिफरेंट एल्कोहल्स एंड वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ ईथर्स एंड वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ ईथर्स विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, है ना, जिसे सेपरेट करना मुश्किल होगा, जिसे सेपरेट करना मुश्किल होगा। और दूसरी बेसिक लिमिटेशन है और वो ये है बेटे, पहली लिमिटेशन आपको लग गई पता कि अगर आपको दो ईथर मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने हैं तो आपको दो डिफरेंट अल्कोहल लेने पड़ेंगे, तो आपके पास ईथर के प्रोडक्ट मिल गए तो उन सभी को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जो इसकी बेसिक लिमिटेशन है, यहां पे लिख रहा हूं, इसको साथ में नोट कर लेना, दिस रिएक्शन इज नॉट सूटेबल टू गेट ईथर्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अगर आप ये चाहो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से ईथर ले लो तो नो, ये अच्छी रिएक्शन नहीं है, दिस रिएक्शन इज नॉट सूटेबल टू गेट ईथर फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ऐसा क्यों होता है? एस दे गिव एल्कीन्स एज मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन्स एज मेजर प्रोडक्ट rather than किसे ethers ethers की बजाय वो alkenes मेजर प्रोडक्ट होते हैं rather than ethers। I hope so कि आपको ये बात समझ आ गई। second method of preparation is by Williamson's
synthesis by Williamson's synthesis. ये दूसरा method है. सुनिए, आपको बताऊंगा जी कि RONA, O के ऊपर negative, NA के ऊपर plus. ये मैंने रिएक्शन आपको पहले भी करवाई थी एल्काइल एराइल हैलाइड्स में, दोबारा करवा रहा हूं, कोई बात नहीं, दोबारा से आप इसको समझें. प्लस आर डैश एक्स एल्काइल हैलाइड, इसने इसके ऊपर अटैक किया और एक्स ग्रुप यहां से चला गया हीट करने पर, तो व्हाट यू विल गेट, आर ओ आर डैश प्लस एम ए एक्स, दिस इज ईथर. ये ईथर मिल गया. तो एज दिस इज नेम रिएक्शन, तो सबसे पहले हमें नेम रिएक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए. तो मैं क्या कहूंगा, इट इज अ रिएक्शन ऑफ, इट इज अ रिएक्शन ऑफ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड्स विथ एल्काइल हैलाइड्स टू गेट ईथर्स, टू गेट ईथर्स. तो बेसिकली क्या है, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड्स, सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड्स विद एल्काइल हैलाइड्स टू गेट ईथर्स. बच्चे आई वुड लाइक कि इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया जाए आपके साथ, और वो करता हूं. सुनिए, सपोज मुझे ये वाला ईथर बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लेते हैं. सपोज ये वाला ईथर बनाना है, ये ईथर क्या सिमेट्रिकल ईथर है, नाम इसका क्या है, डाई इथाइल ईथर, है ना. तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, CH3CH2ONA प्लस, आई वुड लाइक कि आप साथ साथ में रिएक्शन जरूर लिखें, CH3CH2Br हीट कर दूंगा, तो व्हाट हैपेंस, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर आएगा, अटैक करेगा, Br रूट चला गया, तो आई विल गेट दिस कंपाउंड, नो डाउट, मिल जाएगा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास एक कंपाउंड मिलेगा, बड़ी अच्छी रिएक्शन है. सपोज मुझे ये वाला कंपाउंड बनाना है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाइमिथाइल ईथर, बढ़िया, ये भी सुंदर ईथर है, व्हाट इज दैट, सिमेट्रिकल है. तो इसके लिए भी कैसे आप करोगे, भाई CH3ONA ले लो, साथ में आप इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, और इसको हीट कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस NaBr साथ में, एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड. कंपाउंड का नाम क्या है, डाइमिथाइल ईथर, वो क्या है, डाइमिथाइल ईथर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आपके पास एक कंपाउंड मिल रहे, ठीक है. लेकिन अगर सपोज मुझे ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे कोई ये कहता है ये वाला कंपाउंड बनाओ भाई, है ना, ये वाला कंपाउंड, अब इसमें एक हल्की सी समस्या है, और वो ये है कि ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर, मतलब ये मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, ये मेरे पास एक मिक्स्ड ईथर है. तो ये जो मिक्स्ड ईथर है, इसको बनाने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. पहली ये पॉसिबिलिटी है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, मैं इसको जान कैसे लिख रहा हूं, सो दैट कि आपको ये पता लग जाए, ठीक है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप का एल्कोहलिक पार्ट और एक एल्काइल ग्रुप का एल्काइल हैलाइड पार्ट, ऐसे लो. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ये ले लूं CH3ONA, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, प्लस CH3CHH और ये भी यार, आई एक्सपेक्ट कि दोनों से ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, एंड इस केस में तो खैर मिलता है इस केस में तो मिलता है, पक्का मिलता है, ठीक है भाई. ये आपके पास क्या है, अल्कोक्सी ग्रुप, इसको इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको इसके ऊपर अटैक करता है. तो ये क्या हुआ, सबस्ट्रेट. याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट छोटा होना चाहिए, उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए. तो अगर आप छोटे वाला एल्काइल हैलाइड लोगे तो ये रिएक्शन इजीली होगी, जल्दी हो जाएगी और इसका बेटर यील्ड मिलेगी. लेकिन अगर आपके पास क्या है, एल्कोहलिक पार्ट तो छोटा है लेकिन जो सब्सट्रेट है वो बड़ा है,
भाई बड़ा होने के कारण से इसकी क्या हो गई हिंड्रेंस, मिथाइल ग्रुप बड़ा है, ये इस ग्रुप को, ये ग्रुप यहां से आएगा इसको पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ी सी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इसको यहां पे अप्रोच नहीं होने देगा या कम होने देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पेयर है दिस इज नॉट बेटर, नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स इट इज ओके, ये ओके, ये ओके, समझ आ गई बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन तब अच्छी होगी अगर एल्काइल हैलाइड क्या हो, छोटा हो, अगर एल्काइल हैलाइड क्या हो, छोटा हो, सो दैट कि न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आसानी से अटैक करता है ना, और इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाए, इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट कंक्लूजन आई मस्ट ड्रॉ, इसमें मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूं, तो आई होप सो कि मुझे ये कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए, है ना, देखिए टू गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टू गेट अनसिमेट्रिकल ईथर्स, टू गेट क्या अनसिमेट्रिकल ईथर्स, वी शुड ऑलवेज टेक, वी शुड ऑलवेज टेक स्मॉलर एल्काइल हैलाइड एंड लार्जर एल्कोहलिक पार्ट, स्मॉलर एल्काइल हैलाइड एंड लार्जर एल्कोहलिक पार्ट, ठीक है, एज डूइंग सो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं एज डूइंग सो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, कैन अप्रोच एंड अटैक इजिली टू ब्रिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन, टू ब्रिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई भाई। अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो हमें एल्काइल हैलाइड को छोटा लेना पड़ेगा, सो दैट भी न्यूक्लियोफाइल जल्दी से आए उसके ऊपर अप्रोच करे और अटैक करे और हमें सब्स्टिट्यूशन होके प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या करें, सुनो, बट ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इफ रिवर्स इज टेकन अगर हम इसे रिवर्स ले लें, बट इफ रिवर्स इज टेकन देन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बजाय वी गेट एलिमिनेशन प्रोडक्ट दैट इज एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। ये जो लाइन है ना, ये बहुत बढ़िया लाइन है जो आपके लिए इन जनरल आपको ये पता होना चाहिए। वैसे दो रिएक्शंस होती हैं, मैं वैसे आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन और एक होती है एलिमिनेशन, दोनों साथ साथ में चलती है। सब्स्टिट्यूशन भी एक कंपाउंड के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर एलिमिनेशन भी हो सकती है। अगर वो कंपाउंड के ऊपर हिंड्रेंस कम है, ग्रुप छोटे छोटे हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर बड़े ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन। जैसे मैं आप जो दो तीन एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में भी पूछे जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए जितनी भी मैं आप रिएक्शन करवा रहा हूँ उन सभी रिएक्शन को एक एक करके अपने दिमाग में बिठाते चले गए। यस, अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना हो, सुनिए, से आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड CH3, 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 OCH3। इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है वो क्या आएगा, 1, 2, 3, है ना, इट इज 2-methyl, 2-methoxypropane।
1,2,3,2-methyl-2-methoxypropane, ये इसका फॉर्मूला नाम, 2-methyl-2-methoxypropane। अब ये है आपके पास 2-methyl-2-methoxypropane, तो इसको बनाने के लिए ये वाला मैं अल्कोहल लूंगा। देखो ये ओ के अराउंड कट लगा दो, एक अल्काइल ग्रुप जो बड़े वाला है उसका ओ एन ए ले लो, और जो छोटे वाला है उसका आप क्या ले, अल्काइल हैलाइड ले ले। तो उसमें क्या होएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहां से गया, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इससे इससे यहां से गया, एंड आपके पास ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, विल गेट मेनली सब्स्टिट्यूशन, हमें सब्स्टिट्यूशन ही मिलेगी, विल गेट मेनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही मेनली बनेगा, विल गेट मेनली सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर मैं इससे उल्टा ले लूं, उल्टा क्या बेटा, CH3O नेगेटिव Na प्लस से CCH3CH2H, मैं जान के ऐसे लिख रहा हूं, एंड दिस इज CH3, और यहां भी क्या Br, अगर मैं ये ले लू तो देखिए ये क्या है आपके पास नाम, इसका नाम क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, और ये आपके पास क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर मैं ये मतलब कॉम्बिनेशन लेता हूं, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लूंगा तो इसमें क्या होना है, सुनो अब ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियोफाइल जरा आएगा इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है बड़े बड़े हैं, ये इसको वहां पर जाने नहीं देगा, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच ऑन दैट कार्बन जिसके ऊपर उसको अटैक करना, क्योंकि ग्रुप बड़े, तो बेचारा जाएगा तो जाता जाता जो है ना ये यहां से एच ले आएगा, बेस है, बेस क्या करेगा, एच तो ले ही सकता, न्यूक्लियोफाइल बेस भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर वेरी गुड बेस, है ना, ये यहां से एच ले आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे और इधर चले जाएंगे। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ तब आपको ये बड़ी क्लियर हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज ये सारा हॉच पॉच हो गया, ओके ये समझे भैया, न्यूक्लियोफाइल आया है ना, ये उसको अप्रोच तो कर नहीं पाया, तो ये एच को लेके चला गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, बी आर चला गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 NaBr निकल गया प्लस NaBr। तो चलो इस केस में हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब यहां पे क्या आएगा, एलिमिनेशन होगी, मतलब अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो ये एडवाइजेबल है कि छोटे वाला एल्काइल हैलाइड लो और बड़े वाला क्या लो, एल्कोहल, सो दैट एल्काइल हैलाइड छोटा होने के कारण से न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर जल्दी से अटैक कर पाएगा। दो सिंपल सी रिएक्शन और है, इसी से रिलेटेड है, वो भी समझा देता हूं मैं आपको, और वो रिएक्शन कुछ ये है, सुनिए, वो रिएक्शन है आपके पास, सपोज मुझे ये वाला कंपाउंड बनाना है, ओके OCH3, या मुझे ये वाला कंपाउंड बनाना है OC2H5, ठीक है, इसका नाम क्या है, एनिसोल, इसका नाम क्या है, फेनिटोल, एनिसोल और फेनिटोल, अगर मुझे ये वाला कंपाउंड बनाना है तो CH3ONA प्लस ये बेंजीन है ना, एक तो ये पेयर आप यूज करें या आप ये वाला पेयर यूज करें, ये दो ही आप यूज कर सकते हैं ना दोनों में से, ऐसे ही अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप क्या यूज कर सकते हो, ओ एन ए
ना सी एच थ्री सी एच टू बीआर और दूसरा सी एच थ्री सी एच टू ओ एन ए है ना प्लस ब्रोमोबेंजीन ठीक है। तो बोला ये दोनों आप यूज कर सकते हो लेकिन आपको एक बात बताए इसके बीच में ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर सकते। अगर मुझे एनिसोल बनाना है तो मुझे सिर्फ यही वाला ही यूज करना पड़ेगा इसमें बनेगा एनिसोल। अगर मुझे फेनिडोल बनाना है तो ये वाला कॉम्बिनेशन मेरे पास एडवाइजेबल है ये नहीं होगा यस इससे बनेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सुनो कि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड एन एस आर। भाई एराइल हैलाइड अगर आप एराइल हैलाइड को सब्सट्रेट लेते हो ये न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा इसके तो रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्टिविटी कम है तो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि टू गेट एनी सोल वी शुड ऑलवेज टेक सोडियम फिनोक्साइड एंड एल्काइल मिथाइल क्लोराइड एंड नॉट क्या सोडियम मिथॉक्साइड एंड क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन एंड इन द सेम वे ओवर हियर। आई होप सो दैट यू आर फॉलोइंग इट। आपको ये बात समझ आ गई होगी नेक्स्ट और इसका जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। देखो एल्कोहल से तो हमने शुरू से भी किया सल्फ्यूरिक एसिड से। अगर आपको सपोज एक ऐसी सिचुएशन आती है कोई कहता है भाई एक साइड में मिथाइल ग्रुप लगा है और एक साइड में कोई बड़ा एल्कोहल है कोई भी बड़ा एल्कोहल ठीक है कोई बड़ा एल्कोहल है उसको आपको बनाना है तो आप उसको कैसे बनाएंगे है ना। उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है इससे बढ़िया कोई भी मेथड नहीं है। ये कंपाउंड होता है CH2N2 इतना स्लो क्यों। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ईथर्स का वो कुछ ऐसे है कि आप एल्कोहल ले लो और उस एल्कोहल की रिएक्शन आप करवाओ किससे डाई एजोमीथेन के साथ। ये कंपाउंड का नाम क्या है डाई एजोमीथेन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो 100% यील्ड में मिथाइल एल्कोहल दे देता है। भाई अगर आपको सपोज बनाना हो भाई आप इसकी रिएक्शन किससे करवा दो से इथाइल एल्कोहल के साथ CH3CH2OH और आप किस रिएक्शन किससे करवा दी CH2N2 तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2OCH3 ये बन जाएगा। कोई भी एल्कोहल ले लो उसके एच को हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दो तो ये आपके पास क्या दिस इज दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हमने अभी तक जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी की वो कौन कौन सी थी फ्रॉम एल्कोहल्स बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसकी लिमिटेशन बताई बाय विलियमसन सिंथेसिस उसकी अंदर की सारी डिस्कशंस मैंने आपको बताई और ये लास्ट क्या बेटे बाय मेकिंग द यूज ऑफ डायजो मिथेन। अब मैं आपको आपके साथ इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज में मैं जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कौन सा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। यू शुड बी नोइंग आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि एक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होती है ना उस स्ट्रक्चर के साथ उसकी प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है तो सुनो अगर मुझे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो मुझे इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेना चाहिए। बच्चों ईथर होता है आर ओ आर इसमें जो सेंट्रल एटम है लिखते चले जाए साथ में सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। हियर यू शुड बी नोइंग दैट इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ईथर का ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये ऑक्सीजन हुआ इसका एक ये बेटे दो
ये तीन और ये चार, चार ऑर्बिटल बनेंगे और उन चार ऑर्बिटल्स में से दो के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये देखो ये दो के पास, और दो के पास क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, वो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैक कर जाएगा, ये आर ग्रुप और ये आर, और ये भी ओ इथर। तो इथर हुआ, ये इथर हो गया। इसका इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, वी शेप। इसकी ज्योमेट्री क्या है, वी शेप। अब ऐसी ज्योमेट्री आपने एक मॉलिक्यूल की स्टडी की है, जो हम रोज पीते हैं पानी, वाटर, वाटर की ज्योमेट्री। आपको पता है वाटर, ये जो लोन पेयर और लोन पेयर है आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और ये इसको रिपेल करते हैं, जिसके कारण से ये बॉन्ड एंगल वाटर के केस में कम होके कितना हो जाता है, 145 हो जाता। लेकिन इथर्स में ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 110 होता है। इथर में ये जो बॉन्ड एंगल है वो 110 होता है। उसका कारण ये है कि यहां से आपको क्या पड़ रही है, एल पी बीपी रिपल्शन। भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लेकिन यहां पे क्या बड़े बड़े दो एल्काइल ग्रुप है, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इट इज स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। भाई जो एल्काइल ग्रुप है उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके कारण से वो दूर दूर ऐसे जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप से, है ना। तो यहां पे हम ये कहते हैं कि दैट इन केस ऑफ ईथर्स, लिख लो ये लाइन, इन केस ऑफ ईथर्स, इन केस ऑफ ईथर्स ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109, द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109, बट एक्चुअली, लेकिन असल में, बट एक्चुअली दिस एंगल, बट एक्चुअल में ये जो एंगल है इज मोर देन 109, विच इज दैट इज 110 होता है, 110। इट इज ड्यू टू ओवर डोमिनेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू ओवर डोमिनेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द टू एल्काइल ग्रुप्स, द टू बल्कि एल्काइल ग्रुप्स ओवर लोन पेयर बॉन्ड, ओवर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ओवर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, इसका मतलब ये होगी आर ओ आर, ये इथर की ज्योमेट्री हुई। ड्रॉ करें आप साथ में, ये इसका डायपोल और ये इसका डायपोल, तो इसका रिजल्टेंट डायपोल ये हो गया, इसका रिजल्टेंट डायपोल ये हुआ, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं इथर्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। इथर कैसे मॉलिक्यूल्स है, पोलर है, इथर्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर है, पोलर है, पोलैरिटी है इसमें, है ना, इथर्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। Have you got this point? तो इनमें फोर्स ऑफ रिएक्शन थोड़ी सी ज्यादा होंगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होंगी। तो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लिखो, इन ईथर्स द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड अप टूगेदर बाय, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड अप टूगेदर बाय वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, weak dipole-dipole interaction which is no doubt stronger than van der Waals forces, which is no doubt stronger than van der Waals forces, hence melting point, boiling point of ethers are more than hydrocarbons, hydrocarbons से तो ज्यादा होते हैं, but less than
alcohols where hydrogen bond is present, समझ आ गया आपको ये बात? ये बात आपको समझ आ गई? अब ऐसे ये कंपाउंड है क्या? MEOME, डाइमिथाइल ईथर, ETOME, इथाइल मिथाइल ईथर और गैसेस, ये गैसेस होते हैं। ETOET, डाइथाइल ईथर ऑनवर्ड और लिक्विड्स, डाइथाइल ईथर और उसके बाद वाले जो कंपाउंड है वो फिर लिक्विड्स होते हैं विद ए पर्टिकुलर स्मेल, इनकी पर्टिकुलर स्मेल होती है, बड़ी डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, सुनो अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी में इसकी ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ध्यान से देखना, ये मैं कहता हूं OHH, क्या हुआ? वाटर। आई वुड लाइक कि आप अगर इसको ड्रॉ करें साथ साथ में, OHH वाटर, और ये आपके पास क्या है? OCH3 है ना, ओ से CH3 इथर हो गया, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें हुआ, तो जिसके कारण से मैं ये कहता हूं कि जो लोअर इथर्स हैं, लोअर मतलब डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, ये तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये तो वाटर में, लेकिन डाइथाइल ईथर या उससे ऊपर ईथर प्रैक्टिकली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बिकॉज इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट का कार्बन पार्ट काफी ज्यादा हो जाता है, चार कार्बन हो गए। यू शुड बी नोइंग कि डाइथाइल ईथर की सॉल्युबिलिटी वाटर में 8 ग्राम पर 100 ग्राम है, 8 ग्राम पर 100 ग्राम है, तो काफी कम होती है, और इससे ऊपर अगर जाएंगे तो फिर तो ऑलमोस्ट दे बिकम वाटर इनसॉल्युबल, वो वाटर इनसॉल्युबल। तो ये इनकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आपके साथ अभी 10 मिनट में और डिस्कस करता हूं, ठीक है? कुछ इसमें व्हाट इज दैट, देखिए ऐसा है, ये आपके पास इथर है आर ओ आर, इथर की ये स्ट्रक्चर है ROR, तो ऐसे इथर ऑक्सीजन कंटेन कैसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इट कैन डोनेट, जो ये डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इट कैन डोनेट, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है? हेंस एक्ट एज लुईस बेस, इसलिए इथर लुईस बेस का काम करेंगे, आपको पता बड़ा लुईस बेस अ स्पीशीज विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसका मतलब सबसे पहली इसकी जो रिएक्शन होगी वो होगी रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स, क्योंकि बेस है इसलिए दे विल रिएक्ट विद एसिड्स। देखो एट लोअर टेम्परेचर्स ईथर्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एस, ईथर्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एस, वो सॉल्ट्स बनाते हैं, जैसे मैं यहां पे शो कर रहा हूं, अब वो क्या शो कर रहा हूं देखिए, जैसे मैं सीधा कंपाउंड ही ले लेता हूं CH3CH2OCH2CH3, मैं सबसे कॉमन ईथर जो है वही ले रहा हूं बार बार, डाइथाइल ईथर सबसे कॉमन ईथर होता है जिसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ओके? ये डाइथाइल ईथर है, सपोज मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी एच
सीएल के साथ एट रिमेंबर लो टेम्परेचर, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर है वो मैं आपको इससे आगे बताऊंगा कि फिर पंगा कुछ और हो जाएगा। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर क्या होएगा? देखिए सीएस3 CH2O CH2 CH3 इसके ऊपर ही एच आया और यहां पे क्या आ गया प्लस, ये एसिड है ये प्रोटोन लिबरेट करेगा, ये एसिड है ये प्रोटोन लिबरेट करेगा है ना, और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, ऐसे एसिड बेस रिएक्शन। तो ये सॉल्ट बन गया, साथ में ही क्या आ गया Cl-। इस कंपाउंड का मैं नाम क्या लिखूं? इसका नाम लिखता हूं डाई इथाइल ऑक्सोनियम, डाई इथाइल ऑक्सोनियम, ईम पॉजिटिव चार्ज, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन ये भी लिख देता हूं, बार बार स्ट्रक्चर लिखने से H2SO4 के साथ कर दूं, ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर, रिमेंबर टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, एट वेरी लो टेम्परेचर, तो इससे क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3CH2O CH2CH3H, इसको पर चार्ज प्लस और साथ में HSO4-। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सपोज मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं विद BF3, यू नो व्हाट इज दिस BF3? बोरोन ट्राइफ्लोराइड, should be knowing, ये जो boron trifluoride है, ये क्या होता है? This is Lewis acid, ये Lewis acid है, तो BF3 के साथ जब आपने इसकी reaction करवाई, तो बच्चों CH3CH2O CH3CH2 और ये क्या BF3? Because Lewis acids are lone pair of electron acceptor and Lewis base are lone pair of electron donor. तो इसने डाइथाइल ईथर ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाई इथाइल इथरेट, बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाई इथाइल इथरेट। आई होप सो कि आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होगी, ये रिएक्शन समझ आ गई, बड़े सिंपल से रिएक्शन है। क्या भाई एसिड क्या होते हैं? लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस क्या होते हैं? लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनर, ईथर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर सकता है, ये क्या प्रोटोनिक एसिड तो इसलिए प्रोटोन एच लगता है, और ये क्या नॉन प्रोटोनिक एसिड ल्यूस एसिड है तो ऐसे ही लोन पे इलेक्ट्रॉन को ले लें। रिमेंबर ये रिएक्शन तब होती है जब लो टेम्परेचर पर, रिएक्शन लो टेम्परेचर पर, अगर यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा ना तो फिर ये वाला ग्रुप इसको फर्दर अटैक करेगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया बॉन्ड टूटने लगेगा, रिएक्शन और तरीके से हो जाएगी। और वो ये करवाया कि ROR क्या होता है? ईथर। तो मैंने कहा ईथर के बीच में जो ऑक्सीजन होती है इट हैज गॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से है ना ईथर एक्ट एज बेस। मैंने आपको इसकी रिएक्शन करवाई विद द एसिड्स लाइक HCl, विद द एसिड्स लाइक H2SO4 एंड विद द एसिड्स लाइक BF3। लेकिन इन सभी कंडीशंस में मैंने आपको बताया कि दैट दे फॉर्म सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स बनते हैं बट दे आर फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर होते हैं। लेकिन अब अगर ये है कि अगर इफ द टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई हो तो फिर क्या होगा है ना, एट हाई टेम्परेचर, at high temperatures when acids react when ethers react with
एसिड्स वी गेट द रिएक्शंस एस, वी गेट द रिएक्शंस एस, हमें ऐसे रिएक्शंस मिलती हैं। आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, व्हाट इज दैट, ये इसका ना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंगल से भी। नाउ व्हाट इज दैट, यू सी आर ओ आर डैश लगा लो, चलो आर ओ आर डैश, से आई डू इस रिएक्शन विद दैट ऑफ से एच एक्स, मैं इसकी रिएक्शन एच एक्स के साथ करता हूं, एच एक्स से मैं इसे एच सी एल, मैं इसे एच बी आर, एच आई कुछ भी हो सकता है, तो इससे बनेगा आर ओ आर डैश, और इसके ऊपर क्या, ये प्लस, इसके ऊपर ये प्लस, ठीक, तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा। अगर तो लोअर टेम्परेचर रहता तो ये रिएक्शन ऐसे ही यहीं पे रुक जाती है, बट इफ द टेम्परेचर इज हाई तो ये जो एक्स नेगेटिव है ना, दैट विल अटैक ऑन आर, तो इस आर के ऊपर अटैक करता है, एस एन टू रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बैक साइड से इसको अटैक करता है, और अटैक करता है तो उससे क्या होएगा, दिस ग्रुप विल गो, ये ग्रुप चला जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स, व्हाट आर दोज, आर ओ एच एंड आर डैश एक्स, ये दो चीजें मिलेंगी, व्हाट आर दीज टू थिंग्स, यू विल गेट एल्कोहल एंड यू विल गेट एल्काइल हैलाइड्स, आपको एल्कोहल मिलेंगे और साथ में एल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, ठीक है, तो ये काफी अच्छी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, करके देखते हैं। चलिए CH3CH2O CH2CH3, मैं इसके साथ साथ में इसके ऑब्जेक्टिव डिटेल्स भी करवा रहा हूं आपको। नाउ इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर, हम इस रिएक्शन को डिफरेंट एंगल से देखेंगे, डाई इथाइल ईथर से इट इज मेड टू रिएक्ट विद दैट ऑफ से HCl, अगर मैं इसको HCl से रिएक्ट करवाता हूं तो इनिशियली एज यू नो दैट इसमें क्या बनेगा, CH3CH2O CH2 एंड दिस इज CH3, यहां पे क्या एच चार्ज प्लस Cl माइनस, दैट Cl माइनस विल अटैक ऑन दिस, ये इसके ऊपर अटैक करेगा एंड यू विल गेट द टू थिंग्स, क्या दो चीजें मिलेंगी, CH3CH2OH प्लस CH3CH2Cl, ये दो चीजें आपको मिली, इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल क्लोराइड। आई होप सो कि इसमें अब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम इसको आगे, इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और वो ये है, सुनिए बेटा, अगर आप के पास ये कंपाउंड है CH3CH2OCH3, इस कंपाउंड का नाम है क्या है, इट इज इथाइल मिथाइल ईथर, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। जब आप इस इथाइल मिथाइल ईथर को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सपोज HBr, ओके HBr, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द स्टेप्स, इसके स्टेप्स क्या हैं, पहला इसका स्टेप तो यही होएगा CH3CH2O CH3, यहां पर क्या H और ये क्या पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम सॉल्ट वी हैव गॉट, हमें ऑक्सोनियम सॉल्ट मिला। अब ये जो Br ग्रुप है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, Br ग्रुप है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाट आर दोस टू पॉसिबिलिटीज, लेट मी शो देम, व्हाट इज दैट, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये Br इसको इधर से अटैक करे और ये ऐसे चला जाए, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी CH3CH2OH प्लस CH3Br। और दूसरी पॉसिबिलिटी में दूसरे कलर से दिखाता हूं इसको, दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि ये Br ग्रुप इसको इधर से अटैक करे और ये ऐसे बॉन्ड टूट जाए, तो यू विल गेट देन, आपके पास फिर क्या मिलेगा, CH3CH2Br प्लस CH3OH, इसका मतलब आपके पास ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, दीज आर द टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स। लेकिन रिमेंबर, याद रखना बेटा कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये दिस इज Br ग्रुप
इट इज बीइंग न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ठीक है, ऑलवेज अटैक एट कार्बन हैविंग, एट कार्बन हैविंग लेस हिंड्रेंस, जिसके ऊपर जो हिंड्रेंस है वो कम है ना, छोटे वाला ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप छोटा है, इसलिए उसके ऊपर अटैक, इसलिए उसके ऊपर अटैक हुआ, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एज अ मेटल। आई होप सो दैट ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। सुनिए थोड़ा सा और आगे चलते इसी रिएक्शन में, और वो रिएक्शन ये है इस तरीके से, थोड़ा सा आप इसको समझते चले गए। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसका नाम होता है आपके पास टी एच एफ, इसका कंपाउंड नाम क्या होता है टी एच एफ, फुल फॉर्म है इसकी टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, क्या इसका कंपाउंड नाम टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। बेसिकली आप देखें तो ईथर है ये क्या है, बेसिकली इट इज साइक्लिक ईथर, ये साइक्लिक ईथर है। सपोज इसकी मैं रिएक्शन HBr के साथ करवाता हूं, ठीक है, HBr के साथ करवाता हूं, व्हाट विल हैपन, इसमें क्या होएगा, सिंपल पहला स्टेप क्या होना है, लिसन, ये ईथर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसने प्रोटोन को अटैक कर दिया, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा, और वो ऑक्सोनियम सॉल्ट क्या होएगा, ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया OH, अब इसके ऊपर क्या है Br- है, इसने अटैक कर दे तो अगर इस कार्बन पे अटैक हुआ तो ये ऐसे खुल जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा आपके पास, ये कार्बन CH2, ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला कार्बन CH2, 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 एक के साथ क्या लग गया Br और एक के साथ क्या लग गया OH, ये कंपाउंड मिल गया। तो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1, 2, 3, 4, इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है, इट इज 4-bromo-butane-1-ol, 4-bromo-butane-1-ol इज द प्रोडक्ट विच यू विल गेट, विच यू विल गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं, थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं, और वो ये है, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव्स में आया हुआ है ना, और क्वेश्चन ऐसे था CH3CH2O CH2CH3, या इसको चलो मैं ऐसे लिख दूं, सपोज ये लिख देता हूं, दो कंपाउंड लिख रहा हूं, से इट इज मेड टू रिएक्ट विद दैट ऑफ से एच आई एक्सेस, यहां पर एक्सेस लिखा हुआ प्लस एच आई विद एक्सेस, ये जो चीजें लिखी होती, मैंने आपको कई बार बताया अपने लेक्चर्स में कि दिस इज रियल केमिस्ट्री, आपको ये केमिस्ट्री है बेसिकली। अब आपने एच आई के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो कोई बच्चा इसका प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करता है, वो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करता है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस सी एच थ्री सी एच टू आई, ये एक्सपेक्ट करते हो आप, यू एक्सपेक्ट दिस प्रोडक्ट, भाई इथाइल अल्कोहल मिलेगा और इथाइल हाइड्राइड मिल जाएगा, लेकिन यू ऑलवेज फॉरगेट दिस कि यहां पे क्या लिखा हुआ एक्सेस, और आपको पता है कि अल्कोहल HI के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है CH3CH2CH2I, मतलब इससे जो प्रोडक्ट है ये नहीं मिलेंगे, यू विल गेट 2 moles ऑफ CH3CH2I, ये मिलेगा। Got my point? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास ये कंपाउंड मिलेगा आई और ये आई, दिस इज द प्रोडक्ट एच आई अगर एक्सेस में लिखा हुआ। बच्चों आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं इसी रिएक्शन को अभी और आगे लेकर चलता हूं, और वो ये है, सपोज ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन,
OCS3. The name of this compound is anisole. Is compound ka naam kya hai? Anisole. When anisole is made to react with HI, तो आप ये देखो कि इनिशियल स्टेप में तो यही बनना ही बनना है, ये तो आप समझते ही हो क्या OCH3 और ये क्या HI ऑक्सोनियम सॉल्ट बनना है। अब इससे आप दो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हो, वन इज दिस I प्लस CH3OH और दूसरा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हो OH प्लस CH3। ठीक है, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आपको ये बात समझ आ गई? अब ऐसा है कि ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होती एंड ये 100% हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक है क्या कि पहली बात तो ये है कि आयोडाइड अटैक एट लेस हिंडर्ड मिथाइल ग्रुप। दूसरी बात, आयोडाइड बीइंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होने के कारण से है ना, डू नॉट अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग एज एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड NSR। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें NSR तो होते नहीं है। Have you got this point? Aromatic compound में NSR मतलब nucleophilic substitution reactions नहीं होती, ठीक है? उनमें nucleophilic substitution reaction नहीं होती, इसलिए आपको ये वाला product 100% मिलता है। अगर आप इस reaction को सिर्फ इस level पर और ये दो लाइनें देखें तो ये CBSE level है। अब मैं आपको इसका IIT mains और IIT एडवांस लेवल बताता हूं। सुनिए, हमने इस रिएक्शन को किया, इस रिएक्शन को किया तो आपको मिथाइल हाइड्राइड मिला। इस मिथाइल हाइड्राइड को हम ट्रीट करवाते हैं, ये मैं रेड से लिख रहा हूं अलग से, विद NaOH, तो इसे बना मिथाइल अल्कोहल प्लस NaI। इसको मैं ट्रीट करवाता हूं AgNO3 से, तो इससे मेरे को मिला AgI। Agi इज व्हाट? प्रेसिपिटेट्स, येलो प्रेसिपिटेट्स। इसका मास अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मुझे NaI का पता लग गया वो कितने NaI है, और NaI का पता लग गया तो मेरे को उसमें मिथाइल आयोडाइड का पता लग गया कितने मोल्स हैं, इससे इससे मोल इससे इससे मोल, और जितने मोल्स ये होंगे इसका मतलब उतने ही बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं जीजल्स मेथड, ठीक है? इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? ZDISCL, जीजल्स मेथड, ठीक है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ OCS3 ग्रुप्स और OC2H5 ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग। आई होप सो दैट यू हैव गॉट दिस पॉइंट। तो ये हमने रिएक्शन की, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी। रिएक्शन तो ये भी ROR प्लस HX फॉर्मिंग ROH प्लस RX, पर उसी रिएक्शन को पिछले हम 20 मिनट से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए कुछ और सिंपल सी रिएक्शन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। तो आपके पास ROR है प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। ये उससे रिवर्स रिएक्शन है क्या? ROH प्लस R-OH, आपने देखा था
कि दो एल्कोहल को में से अगर वाटर निकाल दे तो क्या बनता है? ईथर। और ईथर में अगर वाटर ऐड कर पाए तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। सिंपल मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, बड़ी सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। CH3CH2OCH3 अगर सिमेट्रिकल हो या इनसिमेट्रिकल हो, प्रोडक्ट तो एक ही बनने हैं बेटा, प्रोडक्ट तो एक ही बनने हैं, प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हियर यू विल गेट व्हाट? ETOH इथाइल अल्कोहल प्लस MEOH मिथाइल अल्कोहल, इसमें 2 moles ऑफ ETOH मींस इथाइल अल्कोहल। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है इथाइल ग्रुप की और मिथाइल ग्रुप की, एंड आई होप सो दैट यू हैव गॉट इट, आपको ये बात समझ आ गई। हैव यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? चलिए हम अपने इस रिएक्शन को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। रिएक्शन विद PCl5, बच्चों आपने एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से स्टडी की थी और किया था ROH Cl PCl3 Cl, ऐसा स्टडी किया था, मैंने आपको करवाया हुआ है, आप पहले वाले लेक्चर्स देखें, उसमें क्या था RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। सिंपली यहां पे क्या है, इस H की बजाय क्या R डैश है, तो व्हाट यू विल गेट, RCl प्लस R डैश Cl प्लस POCl। That is the case. Means, कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये कंपाउंड है CH3CH2OCH2CH3 प्लस PCl5, क्या मिलेंगे? 2 moles ऑफ CH3CH2Cl प्लस POCl3। और अगर आपके पास ये हो CH3CH2OCH3 प्लस PCl5, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3CH2Cl प्लस CH3Cl प्लस POCl। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं और नहीं तो आप लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके रिपीट करके देख सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मतलब रिएक्शन लिखने के बाद मैं टाइम कम दे रहा हूं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो है रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी अच्छी डिस्कशन है इसमें, और वो डिस्कशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। CH3CH2OCH2CH3 ये आपने उसका बाउंड है डाई इथाइल ईथर, मैंने डाई इथाइल ईथर लिया। When it is made to react with oxygen in presence of light, air में पड़ा हुआ है, तो इससे क्या होता है, इससे कंपाउंड बनता है CH3 CH2 3, और यहां पर जो लग जाता है ऑक्सीजन इसके बीच में लग जाते हैं, पैरामैग्नेटिक होती है उसका मैकेनिज्म वगैरह, आपका इस स्टेज पर वो लेवल नहीं है कि आप इसको समझ पाए। मींस कहने का मतलब सीएच बॉन्ड के बीच में ओओ ग्रुप इंसर्ट हो गया, इंसर्शन रिएक्शंस। जिस भी कंपाउंड में ओओ ग्रुप हो, जिस भी कंपाउंड में ओओ फंक्शनल ग्रुप हो, उसे बोलते परोक्साइड। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या आएगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हाइड्रो परोक्साइड, ये सब कंपाउंड का नाम होगा, डाइथाइल ईथर हाइड्रो परोक्साइड, डाइथाइल ईथर हाइड्रो परोक्साइड, ये सब कंपाउंड का नाम है। मैं अपनी इस डिस्कशन को थोड़ा जनरल डिस्कशन की तरफ लेकर चलता हूं। सुनिए, ऐसा होता है कि अगर सपोज करके आपके पास कोई लिक्विड है, उसको ध्यान से समझते जाना, रीजनिंग क्वेश्चन है इसके लिख के। अगर आपके पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को आप क्या करना चाहते हो, प्यूरिफाई करना चाहते हो, तो आप उसको क्या कर दो, हीट करना शुरू कर दो, उसके यहां से वेपर्स बनेंगे, है ना, आप वेपर्स को लिक्विफाई कर लो, मतलब इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन क्या बोलते हैं। अब सपोज
मेरे पास यहाँ पे वाटर है, मैं नॉर्मल एक एग्जांपल लेके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आप इस बात को एग्जैक्टली समझ पाए। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे वाटर है, इम्प्योर वाटर है और मैं उसको प्यूरीफाई करना चाहता हूँ तो मैं उसको डिस्टिल करूंगा। आपको ये पता है कि इसमें टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा जब तक इसमें वाटर है। वाटर निकल जाए फिर ये फ्लास्क है, फिर वो गर्म होना शुरू होगा। मतलब टेम्परेचर तब राइज करता है जब वो वाला लिक्विड निकल जाए। अब इसको आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपके पास यहां पे ईथर है, आरओआर ईथर है, लिक्विड होते हैं, इसको सपोज मुझे क्या करना है, प्यूरीफाई करना है। तो मैं अगर इसको क्या करूं, डिस्टिल कर लूं, मैं इसको डिस्टिल कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम, इसको डिस्टिल कर सकता हूं। लेकिन सपोज करो कि इसमें से सारा ईथर निकल जाए, सारा ईथर यहां से निकाल दूं, तो फिर जो पीछे है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर सारा ईथर यहां से निकल जाए तो पीछे फ्लास्क को अगर मैं अभी भी हीट कर रहा हूं तो गर्म होना शुरू हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, अगर उसमें ये परोक्साइड हुए तो दे अंडरगो सीरियस एक्सप्लोजन। इसलिए नंबर वन, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू डिस्टिल ईथर्स अप टू ड्राइनेस, एज एट हायर टेम्परेचर इफ परोक्साइड्स आर देयर दे अंडरगो सीरियस एक्सप्लोजन्स, दे अंडरगो सीरियस एक्सप्लोजन। बात समझ आ गई? देयर आर नो सीरियस एक्सप्लोजन्स। मैं 5-6 क्वेश्चंस लिखूंगा, अब हर पॉइंट पे या तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को दोबारा से देखें। अब ऐसा है, ये तो बहुत खतरनाक बात हुई, मैं एक्सप्लोजन हो जाएगा लैब में। और ईथर की आग बहुत मुश्किल से बुझाई जाती है, बहुत लाइट होता है इसलिए फैल जाती है एकदम। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये सिचुएशन ही ना आए। तो ये सिचुएशन कब नहीं आ सकती, ऐसे नहीं आ सकती। आप क्या करो, ये बॉटल है आपके पास ईथर की, ठीक है, यहां पे ईथर पड़ा हुआ है, ईथर है ना, इसको आप यहां तक नहीं, यहां तक भरो। अगर ऊपर इसको यहां तक भरेंगे तो क्या होएगा, इसमें ऊपर एयर नहीं होगी। और इसको काले कपड़े में लपेट दो, काले पेपर में लपेट दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईथर बॉटल्स आर फिल्ड up to brim and wrapped in black paper, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड लाइट जो है ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ परोक्साइड फॉर्मेशन। परोक्साइड के फॉर्मेशन के चांस ही नहीं रहेंगे, ठीक है, समझ आ गई ये भी बात। सेकंड क्वेश्चन में व्हाई ईथर बॉटल्स आर फिल्ड अप टू ब्रिम एंड दे शुड बी कवर्ड इन ब्लैक पेपर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें एक बात और आती है और वो ये है भाई, ऐसा है कि अगर इतना डर लग रहा है इस परोक्साइड से, ठीक है ना, तो पहले सैंपल को टेस्ट कर लो। तो टेस्ट फॉर ईथर परोक्साइड, ईथर परोक्साइड, आप क्या करो, यू टेक ए सैंपल ऑफ ईथर, ईथर का सैंपल ले आप, ठीक है, यू टेक ए सैंपल ऑफ ईथर और इसमें आप क्या डाल दें, FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, और बाद में इसमें डालें KSCN पोटाशियम थायोसाइनेट, तो इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास जो है वो ब्लड रेड कलर आ जाएगा, ब्लड रेड कलर। तो अगर वो ब्लड रेड कलर आता है तो उसका मतलब ये है कि उसके बीच में परोक्साइड है, नहीं है तो यू कैन सेफली यूज दैट, फिर आप उसको सेफली यूज कर सकते हो। असल में इसकी केमिस्ट्री क्या है, आप ये देखो, इसकी केमिस्ट्री ये है कि अगर आपके पास ये क्या फेरस है और परोक्साइड हुए, अगर इथर में परोक्साइड हुए
तो ये फेरस परोक्साइड की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा किसमें, फेरिक में, और फेरिक आयन पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ ब्लड रेड कलर देते हैं। और अगर सपोज करो कि आपको ये पता लगा भाई उसमें परोक्साइड है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तो इसमें क्या डाल दो टू रिमूव, फिर उसको परोक्साइड को रिमूव कर रहे, टू रिमूव एड एक्सेस ऑफ FeSO4 और एक्सेस ऑफ KI, एक्सेस ऑफ FeSO4 ऐड कर दो या उसमें एक्सेस ऑफ KI ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये जो परोक्साइड है ऑल ऑफ द परोक्साइड विल बी कंज्यूम्ड, ठीक है, इन दैट वे अगर आप FeSO4 डालते हो तो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होने में यूज हो जाएगा, अगर पोटेशियम आयोडाइड डालते हो तो आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट होने में सारा का सारा परोक्साइड यूज अप हो जाएगा एंड आपका जो सैंपल है वो जो बॉटल का सैंपल है दैट विल बिकम फ्री फ्रॉम ईथर परोक्साइड, फिर आप उसको सेफली यूज कर सकते, ठीक है। आई एम कमिंग टू लास्ट 5 मिनट्स लास्ट रिएक्शन ऑफ व्हाट इज नोन एज ईथर्स, ईथर्स की लास्ट रिएक्शन की बात करता हूं आपके साथ, और वो रिएक्शन है ये आपके ईथर है, सपोज ये ईथर है, ईथर क्या है OCH3 से दिस कंपाउंड इज NSOL, मैं कर रहा हूं ESR, ESR मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आप ये देखो कि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, तो देखो दिस प्लस आर इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या, प्लस आर इफेक्ट है, हेंस ओ आर ग्रुप है ना एक्ट एज रिंग एक्टिवेटर एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम कर रहा है रिंग एक्टिवेटर है और साथ में क्या काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इसकी ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल विल गो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। बस मैं इसको फटाफट से आपको एक मिनट में सारी रिएक्शन लिख देता हूं, से ब्रोमिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, से नाइट्रेशन HNO3H2SO4, से सल्फोनेशन H2SO4, से फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl FeCl3, ESR यही तो होती है। अब इसमें ये क्या हेलोजिनेशन, आने वाला ग्रुप क्या है Br, कहां पे जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, एंड यू विल गेट व्हाट, क्या मिलेगा OCH3 Br प्लस उसी OCH3 Br ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल, नाइट्रेशन करोगे तो क्या आएगा OCH3 NO2 एंड दिस इज यू सी OCH3 NO2 ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल सल्फोनेशन OCH3 SO3H कंसंट्रेटेड से होता ही OCH3 SO3H ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या आएगा ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वो पैरामिथॉक्सी, और अगर आप ये करते हो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन OCH3 तो यहां पे एल्काइल ग्रुप क्या मिथाइल, तो ये कहां पे जाएगा मिथाइल, और ये आपके पास जाएगा, बात समझ आ गई। तो दिस इज ऑर्थो मिथॉक्सी टॉल्यूइन पैरामिथॉक्सी टॉल्यूइन, ठीक है, या ऑर्थो मिथाइल एनिसोल पैरामिथाइल एनिसोल, दैट इज बेटर वर्ड, वो ज्यादा बेटर है बिकॉज मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेफर्ड ओवर मिथाइल। ईथर का जो कॉमन यूज होते हैं दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट्स है ना,
कुछ इथर्स को पहले है ना एनेस्थीसिया में भी यूज किया जाता था, लेकिन आजकल उसका यूज नहीं करते. सम बेटर ऑल्टरनेटिव्स आर विद अस, है ना. तो बेसिकली इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरह यूज किया जाता है ना. और इसका मतलब रिएक्शन में यही बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है. तो विद दैट दिस यूनिट इज ओवर. इससे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होएगा वो होगा एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, ठीक है. उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और बस इन लेक्चर्स को एंजॉय करें. इसमें सिर्फ मैं एक एडवाइस ये जरूर देना चाहूंगा, लेक्चर को साथ साथ में देखें और साथ साथ में इनकी रिएक्शंस को एक बार देखने के बाद लिखकर प्रैक्टिस करें और फिर से दोबारा से देखें कि क्या आपने उसको ठीक लिखा. बिकॉज सिर्फ रिएक्शंस लिखने से ही आती हैं. समझ लो, लिख लो, रिएक्शंस आ जाएंगी. अगर आपने उसको समझ लिया, लिखा नहीं, या सिर्फ लिख लिया और उसको समझा नहीं, तो आप देयर विल बी सम गैप, वॉइड रहेगा, ठीक है.